हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनीता चतुर्वेदी, सीनियर लेक्चरर CDDM GWPC अजमेर। आज मैं आपको इम्पोर्टेंस ऑफ पेपर पैटर्न बताऊंगी। पेपर पैटर्न ड्राफ्टिंग और पेपर पैटर्न कितने तरीके से बनते हैं, ये सब हमने पिछले लेक्चर में देखा था। आज हम केवल पेपर पैटर्न की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है, गुड फिटिंग कैन बी अचीव विद एप्रोप्रिएट पेपर पैटर्न। एक अच्छे उपयुक्त पेपर पैटर्न से ही आप अपनी पोशाक में अच्छी फिटिंग प्राप्त कर सकते हैं। पेपर पैटर्न जितना सही तरीके से बनेगा, उतना ही अच्छी कटिंग होगी और उतनी ही अच्छी और फिनिशिंग से विद गुड फिटिंग आपकी ड्रेस तैयार होगी। दूसरा पॉइंट आता है, पेपर पैटर्न्स कैन बी रीयूज्ड। एक बार पेपर पैटर्न बनाने के बाद उसको आप भविष्य में कई बार यूज़ कर सकते हैं। उसको आराम से एक अच्छे से फोल्ड करके एक एनवलप में अगर आप डाल के रखेंगे तो एक पेपर पैटर्न कई समय तक चलता रहता है। नेक्स्ट आता है, डिफरेंट स्टाइल्स कैन बी क्रिएटेड विद स्लाइट चेंज इन बेसिक पैटर्न। बेसिक पैटर्न में हल्का सा परिवर्तन करके हम नए नए स्टाइल्स क्रिएट कर सकते हैं और इससे हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है और हमें नए नए डिज़ाइन सीखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है, विद ग्रेडिंग मैथड सिंगल पैटर्न कैन बी ग्रेडेड इन डिफरेंट साइजेस। ग्रेडिंग मैथड की सहायता से हम मीडियम साइज़ के एक पैटर्न को स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज तक में बदल सकते हैं। इसलिए हमारे पेपर पैटर्न बनाने से हमको ग्रेडिंग सीखना भी मिल जाता है। नेक्स्ट है, मिस्टेक्स आर अनलाइकली विद द यूज़ ऑफ पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न की मदद से आपकी गलतियाँ होने की संभावनाएँ काफ़ी कम हो जाती हैं, क्योंकि अगर पेपर पैटर्न करेक्ट बनता है तो आपका कपड़ा करेक्ट कटता है और कपड़ा करेक्ट कटता है तो आपका गारमेंट भी करेक्ट ही मिलता है। अगर हमें गलती महसूस हो जाती है पेपर पैटर्न पर तो हम उसी स्टेज पर अपनी गलती को रिमूव कर लेते हैं और कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, लेआउट कैन बी डन विद पैटर्न विच रिड्यूसेस फैब्रिक वेस्टेज चांसेस ड्यूरिंग फैब्रिक कटिंग। फैब्रिक कटिंग करने के दौरान पेपर पैटर्न की मदद से हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लेआउट करके पहले चेक करते हैं कि कब किस तरीके से हम फैब्रिक की वेस्टेज को कम से कम कर सकें, हम कपड़ा कैसे बचाएं। तो लेआउट की मदद से हम कपड़ा बचाते हैं और इससे हमारा कपड़ा वेस्ट होने से बचता है और ओवरऑल हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम पड़ता है। इंडस्ट्रीज़ में लेआउट करना बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि उनसे उनकी वेस्टेज कपड़े की कम होती है और कपड़े की कम होने से उनके प्राइसेस पर, उनके खर्चे पर, उनके कपड़े के बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। नेक्स्ट, क्विक एंड नीट वर्क। पेपर पैटर्न की मदद से आप काम फटाफट कर सकते हैं और पेपर पैटर्न करेक्ट होता है तो आपका काम भी नीट बनता है, नीट तैयार होता है। नेक्स्ट, कन्वीनियंट फॉर बिगनर्स। सीखने वालों के लिए पेपर पैटर्न बहुत आसान होता है। जैसे जैसे आपका हाथ सेट होता है तो आप आने वाले समय में बिना पेपर पैटर्न की मदद से भी कटिंग कर सकते हैं, पर शुरुआत के सीखने वालों के लिए, विद्यार्थियों के लिए पेपर पैटर्न बहुत आसान होता है। भविष्य में यूज़ किया जा सकता है, कैन बी यूज इन फ्यूचर। पैटर्न एडजस्टमेंट्स आर पॉसिबल फॉर गुड फिटिंग। जब हम फिटिंग प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, पोशाक तैयार हो जाती है तो उसमें कई बार कोई फिटिंग प्रॉब्लम्स भी महसूस की जाती हैं या आ जाती हैं, तो पैटर्न एडजस्टमेंट की मदद से हम अच्छी फिटिंग प्राप्त कर लेते हैं और फिटिंग प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट, विद अडेप्टेशन मैथड डिफरेंट स्टाइल्स कैन बी क्रिएटेड। फॉर एग्जाम्पल, पफ स्लीव एंड बेल स्लीव कैन बी मेड विद बेसिक प्लेन स्लीव। देखिए, जैसा चित्र में दिखाया गया है और आपको कक्षा में पढ़ाने के दौरान भी बताया गया था कि बेसिक स्लीव ब्लॉक से हम डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल की स्लीव्स क्रिएट कर सकते हैं। बेसिक प्लेन स्लीव के ब्लॉक से आप बेल स्लीव बना सकते हैं, पफ स्लीव बना सकते हैं। इस चित्र में बताया हुआ है कि कैसे लेगो मटन स्लीव दिखाई गई है और एक तरह की आप ये कह सकते हैं बिशप स्लीव है। तो हम अडेप्टेशन मैथड को अपना कर डिफरेंट स्टाइल्स जो हैं वो पेपर पैटर्न की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू वेरी मच।